मैं कोई 16 साल मेरी उम्र से एक जगह सरगोधे च मरुड़िया आला उसे एक सूफी इब्राहिम साहब होंगे सन अल्लाह उन्होंने जन्म मैं दर्जे बुलंद कर उन्होंने मुझे सबक दिता कि तू बेटा पढ़िया कर अल्लाह उस समाद मैं वो इस गल यानी कि भैन की गल होनी है क्यों कितने साल हो गए 56 साल उसने ये काम जारी है डेरे से भी तुम देखे होना है अल्लाह उस समाधि लिखी है गल ये नहीं है कि तुम कि इसम पढ़ते हो गल यह है कि हर चीज नूं मलकियत समझते इज्जत नूं सेहत नूं जिंदगी नूं औलाद नूं बीवी बच्चियां नूं क्या बात समान नूं क्या बात जिसके तुम ढिडो ये मान लेंगे हो ना सब कुछ उदा बस सब तो वड्डी पढ़ाई ये है मेरा कुछ नहीं थे मेरा कोई रोल नहीं है मेरा रोल भी मेरे रब ने मुतय्यन किए हैं मैं तो जिंदगी इसी तरह ही गुजर गई है बस उधर गल्लां कर दी गुजर गई है गल किसी इंसान नाल भी वापसता नहीं की बिल्कुल नहीं अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने आज थोड़ी किसी मखलूक को मंगने की इजाजत नहीं दी तुम्हारी उसबियत ना रहे किसी के मुखालिफ ना हो किसी से जिद ना हो झगड़ा ना हो फसाद ना हो फिर हज कबूल हो नहीं करते तो अब ये जो कर रहे हैं टकरे मार रहे हैं मारते रहे अल्लाह हंसता है ऊपर मुझे एक अपने कारी साहब उन्होंने एक वाक्य सुनाया बड़ा खूबसूरत वाक्य सुनने में तो कह लगा कि मैं कहीं गया किसी जगह पे था जब मैं वहां से आने लगा तो उनके लड़के ने मुझे कहा कि कारी साहब आप इधर आया करें हमारे पास बैठा करें आपके आने से बरकत होती है तो कहते मैंने उससे कहा कि देखो मेरी बात गौर से सुनो कि अगर तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम पर चल रहे हो और अल्लाह तुम पर मेहरबानी कर रहा है तो ये तुम्हारा इम्तिहान है और अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम पर नहीं चल रहे और ये तुम कमा रहे हो तो ये अल्लाह की पकड़ है बस इन दो बातों को याद रखना मेरे आने जाने से कुछ नहीं होगा बड़ी सही बात मेरे आने जाने से कुछ ही होगा बस दो बातें याद रखो कि अगर तुम अल्लाह और अल्लाह के अहकाम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम पर चल कर कुछ कमा रहे हो तो ठीक है लेकिन ये भी कहते हैं ध्यान है तुम्हारा हदीसों मुबारक है जब तेरी खराबियों के बावजूद तेरी आसाइशों में अल्लाह इजाफा शुरू कर दे तो पकड़ तू समझ ले कि तुझ पे अजाब जारी हो अल्लाह का करो अल्लाह की पकड़ में तू समझ ले कि तुझ पे अल्लाह का अजाब जारी है क्योंकि जिसको उसने पकड़ना होता है ना उसकी रस्सी दराज करता है जैसे माशेर पकड़ते हैं नहीं पानी में हाँ, वो कांटे में फंस जाता है ना तो फिर वो बहुत जोर लगाता है आपने उसको ढीला करके आगे पीछे दौड़ा के जब वो अच्छी तरह फंस जाता है तो फिर बाहर निकालता है अल्लाह ऐसे पकड़ता है जैसे माशेर पकड़ते हो बिल्कुल जी भाई बड़ी मेहरबानी भाई बहुत शुक्रिया हमारा शोभा ही दुआ है हम तो पेशावर दुआ जी मैं खुद खांदा मियां मजबूर कर दिया अपने मियां नु मजबूर कर दिया मजबूर कर दिया कि तू दूजी शादी कर साडा घर कमियां दा घर लगदा है कि इत्थे इक्को रूम है वाह 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 मैं कली हाँ दो वागी तो रौनक लगे मगर अगर थोड़ा प्रोग्राम जुतिया खान का तो इससे क्या देखो बाबा तकरीबन ना सीधे जो ना बोले तकरीबन रौनक अपने आप ही बढ़ जाना